बरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि इनरव्हील क्लब दीक्षिता ने शुक्रवार को डीडीपुरम स्थित एक होटल में करवा चौथ पर्व को मनाया। कार्यक्रम का आरंभ इनरव्हील प्रार्थना से हुआ। इसके बाद करवा चौथ थीम पर सभी महिलाओं ने गेम्स खेले, डांस और सिंगिंग में भी कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया, ये जानकारी अध्यक्ष दीक्षा सक्सेना ने दी है। इसके बाद करवा क्वीन का चुनाव किया गया। क्या करना चाहती हूँ यार, बहुत खुश हूँ कि इन सबके सहयोग से सबसे मैं करवा क्वीन बनी हूँ। किरण, करवा चौथ के विषय में क्या आप आज के जो यूथ है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? करवा चौथ एक बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया त्योहार है जो लेडीज अपने हस्बैंड के लिए भी करती है, खुद के लिए भी करती है, और मैं ये चाहूंगी आगे की यूथ भी इसको अच्छे से खुशी खुशी पूरे रीति रिवाज के साथ मनाए। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसा कि करवा चौथ में पूरे दिन व्रत रखते हैं, देखा ये गया है कल के दिन लोगों ने व्रत चाइनीज फूड से खोला, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पति के हाथ से। मेरा नाम दीक्षा सक्सेना है और मैं इनरव्हील क्लब दीक्षिता की प्रेसिडेंट हूँ। क्या कार्यक्रम है आज? ये करवा चौथ के उपलक्ष्य में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है महिलाओं के लिए, सभी सुहागनों के लिए, और हम इसके द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि सारे पर्व को बहुत ही अच्छे से सब लोग सेलिब्रेट करें। हम ईद भी मनाते हैं, वही करवा चौथ भी मनाते हैं, तो आज हम लोग इसीलिए बिल्कुल सोलह श्रृंगार करके आए हैं, परिधान पहन के आए हैं, लाल रंग सुहाग का रंग होता है तो पहन कर आए हैं इसीलिए, ताकि हम करवा चौथ को बहुत अच्छे से मना सकें। करवा चौथ क्वीन कौन बना? करवा चौथ क्वीन इस समय आज